हेलो, आई मायसेल्फ डॉक्टर जहीर इकबाल आलम, मिराकल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर के पीडियाट्रिशियन। आज मैं आपको एक 11 महीने के बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बच्चा जो है पनपता नहीं है और इसके अंदर खून का बहुत ही कमी है। आप क्लिनिकली मतलब आप देख के कैसे बता सकते हैं कि एक बच्चे का खून का कमी है। जैसे ये बच्चा है हमारे पास, आप इस बच्चे को देख सकते हैं। आप सबसे पहले इसका हाथ देखिए, नेल्स का कलर देखिए, नेल्स का कलर जो है पूरा वाइट है, नेल्स का कलर। और आप मेरा नेल्स का कलर देख सकते हैं, मेरा नेल्स का जो कलर है वो पूरा पिंक है, पिंक। और ये जो नेल्स का कलर है ये पूरा वाइट है। तो इसका मतलब जो है बच्चे के अंदर पूरा खून का कमी है, क्योंकि जो कलर होता है ना, ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हमारे स्किन को एक पिंकिश कलर प्रोवाइड कराता है। तो जब भी हम लोग के अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है, खून का कमी है, तो ऑटोमेटिकली वो कलर वाइट हो जाता है, पेल हो जाता है। आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है पूरा पिंक है, और ये बच्चे का हाथ देखिए आप, कितना फर्क है ना, टोटली वाइट कलर है। ये बच्चे का हाथ आप देख सकते हैं, टोटली वाइट है एकदम, आप फूड कलर का देख सकते हैं। प्लस आपका इसके बच्चे का फेशियल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, जीभ का कलर देखिए, जो टंग का कलर है, टंग भी पूरा वाइट है इसका, टंग है ना। प्लस इसका बच्चे का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम खून का कमी देखते हैं। तो ये कंजेक्टिवा, ये जो हम नीचे का जो आईलिड बोलते हैं, तो कंजेक्टिवा बोलते हैं। इसका भी कलर देखिए पूरा व्हाइट है। और ये 11 महीने का बच्चा जो होता है, कम से कम एटलीस्ट खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता, ये बैठ नहीं सकता। और मैं इसको अभी बैठा के दिखा रहा हूँ, ये बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा है। इसका जो वजन है ओनली 5.5 किलो है, और जैसे कि 11 महीने का जो बच्चा है, वेट एवरेज जो वेट होना चाहिए एटलीस्ट 8.5-9 किलो के ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारे पास बच्चा है। इसका जो मैंने हिस्ट्री लिया, जो मैंने पूछा, ये जो बता रहे हैं कि ही इज ओनली ऑन काउ मिल्क, वो भी जो है बोतल से दे रहे हैं इसको, जो कि बहुत गलत है। जैसे 6 मंथ जैसे बच्चा हो जाता है, उसको तुरंत हमें ऊपर का खाना स्टार्ट करना चाहिए, खिचड़ी दलिया और फ्रूट्स ये सब खिलाना चाहिए। मैंने जब इसका हिस्ट्री लिया तो उन्होंने कुछ भी इनको दिया नहीं है, ओनली काउ मिल्क पे रखा। और मिल्क जो ऐसा प्रोटीन, मिल्क जो ऐसा फूड है जिसमें ओनली आपका जो है प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, और उसमें आयरन का बहुत ही कमी होता है। तो इसलिए बच्चे को 6 महीने के ऊपर बच्चे को ओनली मिल्क पे नहीं रखना चाहिए, उनको ऊपर का खाना भी स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आयरन रिच कुछ हो, अगर मल्टीविटामिन है तो। मोस्टली जो मेरे को जो डायग्नोसिस लग रहा है इस बच्चे का, ये मोस्टली आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया मतलब खाने के कमी के वजह से बच्चा विकसित नहीं हो रहा है। बाकी है, इसका रिपोर्ट हमने भेजा है, अभी ब्लड टेस्ट भेजा है, तो अभी इसमें देखता हूँ हीमोग्लोबिन कितना है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका जो हीमोग्लोबिन है वो 5 के नीचे ही आएगा। बाकी आज जो हम इसको प्लान कर रहे हैं, इसको PRBC ट्रांसफ्यूशन देंगे। PRBC मतलब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूशन देंगे, क्योंकि अब इमिडिएटली, क्योंकि बच्चा जब भी आपका खून का कमी हो जाता है तो हार्ट के ऊपर काफ़ी लोड आ जाता है, हार्ट बीट फास्ट बीट करने लग जाता है, इसके वजह से बच्चा कार्डियक फेलियर में भी जा सकता है, हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। इसलिए हमने इसको तुरंत एडमिट कर लिया है। एडमिट करके हम इसको नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, अभी इसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।